नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। लंबे समय से रामायण और महाभारत काल को केवल एक काल्पनिक गाथा के रूप में माना जाता रहा है, परंतु यह सत्य नहीं है। जो लोग इस काल को काल्पनिक मान रहे हैं, उन्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि महाभारत और रामायण काल भारत का गौरवमय इतिहास था, जिसे कोरी कल्पना मानना एक भूल थी। अफगानिस्तान की विशाल गुफा में टाइम वेल में 5000 साल पुराने महाभारत कालीन विमान के फंसे होने की पुष्टि हुई है। इस विमान के मिलने का खुलासा wired.com की एक रिपोर्ट में किया गया है। अफगानिस्तान में सदियों पहले था आर्यों का राज। मौजूदा अफगानिस्तान में हिंदू कुश नामक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन देश हैं। ईसा के 700 साल पूर्व तक यहां पर आर्यों का साम्राज्य था। इसके उत्तरी क्षेत्र में गंधार महाजनपद था, जिसके बारे में महाभारत के अलावा कई अन्य ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम आर्याना था। इतना ही नहीं, हवाई कंपनी भी आर्याना के नाम से जानी जाती थी। इस्लाम धर्म से पहले मौजूदा अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यनुमर, विजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह नामों से पुकारा जाता था। वहीं एक पारसी मत के प्रवर्तक द्वारा रचित ग्रंथ जिंदा वेस्ता में इस भूखंड को एरेन विजो या आर्यनुगर विजो कहा गया है। सबसे खास बात यह है कि मौजूदा अफगानिस्तान के गाँव में बच्चों के नाम कनिष्क, आर्यन, वेद हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ पर कभी आर्यों का राज था। अफगानिस्तान की गुफा में मौजूद है 5000 साल पुराना विमान। मौजूदा अफगानिस्तान में 5000 साल पुराना महाभारत कालीन एक विमान मिला है। यह विमान महाभारत काल का माना जा रहा है। इसका खुलासा wired.com की एक रिपोर्ट में किया गया है। अफगानिस्तान की एक प्राचीन गुफा में महाभारत काल का यह विमान टाइम वेल में फंसा हुआ है। इसी कारण यह आज तक सुरक्षित बना हुआ है। जो विमान मिला है, इसके आकार प्रकार का पूर्ण विवरण महाभारत व अन्य प्राचीन ग्रंथों में मौजूद है। रिपोर्ट में किए गए खुलासे के अनुसार प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने इस विमान को बाहर निकालने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अमेरिका नेवी के 8 कमांडो इस विमान के पास पहुंचने में कामयाब भी हुए, परंतु टाइम वेल सक्रिय होने पर यह सभी गायब हो गए। अमेरिकी, रूसी राष्ट्रपति सहित ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलकर इस साइट का अति गोपनीय दौरा भी किया जा चुका है। क्या होता है टाइम वेल? टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है। इस कारण इस क्षेत्र में मौजूद सामान सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। विमान की क्या है खासियत? रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार इस 5000 साल पुराने विमान का जब इंजन शुरू होता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। इस विमान के 4 पहिए हैं। इसमें कई तरह के हथियार भी लगे हुए हैं। यह सभी हथियार प्रज्वलनशील हैं। इन्हें किसी लक्ष्य पर केंद्रित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टाइम वेल सर्पाकार है। इसके संपर्क में आते ही सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस सर्पाकार टाइम वेल की थ्योरी समझने के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। फिलहाल अब तक इस टाइम वेल का समाधान नहीं निकाला जा सका। तो दोस्तों, यह थी 5000 साल पुराने महाभारत कालीन विमान से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।